अज पिंड पिंड विचों है तूफान उठिया, उठी लहर कला कला नौजवान उठिया, अज पिंड पिंड विचों है तूफान उठिया। रोजगार तब खत्म कहाये नौजवान जाएंगे, सिर्फ संविदा की परिया मान दे पाएंगे। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर अभी क्या नज़ारा है वो आपके साथ यहाँ बांट रही हूँ। आज 12 दिन हो चुके हैं किसानों का आंदोलन आज भी जारी है और आज 8 दिसंबर के दिन भारत बंद का आह्वान किया गया है। यहाँ देश भर से किसान आए हैं, किसान दल के नेता और लगातार रंगमंच से जुड़े और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार जो पंजाबी भाषा में गाना गाते हैं, पंजाबी सिंगर हर्ष सीमा और इसके अलावा वहाँ के लोकगीत गाने वाले वहाँ के लोक कलाकार यहाँ आ रहे हैं और किसानों को उनकी मांगों पर अपना समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो आप सभी के साथ मैं यहाँ साझा कर रही हूँ। रिक्वेस्ट है कि आज भारत बंद नूं सफल बनाउण, घरां चों निकलो, जिहड़े घरां च निकले बैठे ने जे तक सिंह बाहर नहीं गए निकले उन्हां नूं निकल के पलिया भीरा और निघासण संघाई तुगुनिया डट के बंद करवाओ, बंद नूं सफल बनाओ, सहयोग दिओ और दिल्ली वास्ते भी चाले पा दिओ। जे कोई गल बनदी नहीं दिस रही घरां चों बाहर निकलो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी किसान भाइयों को विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी किसान भाई आज अपने जाति धर्म से ऊपर उठकर और सभी राजनीति पार्टी छोड़कर किसान आंदोलन को सफल बनाए, भारत बंद को सफल बनाए। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने ही जहां जहां भी है आप खड़े होकर ट्रैक्टर ट्रालियों से रोडे जाम करें और इस भारत बंद को सफल बनाएं। आज पिंड पिंड विचों है तूफान उठिया, उठी लहर कला कला नौजवान उठिया, आज पिंड पिंड विचों है तूफान उठिया। हुण जंग जदों छेड़ी जेड़े कहंदे सी नशेड़ी, हुण जंग जदों छेड़ी जेड़े कहंदे सी नशेड़ी, अज ओही बंदा तैनू साफ साफ करदा। जिंदाबाद नी जवानी है, मार तेरे उत्ते सारा ही पंजाब करदा। जिंदाबाद नी जवानी है, मार तेरे उत्ते सारा ही पंजाब करदा। जिंदाबाद नी जवानी है, इक ते दिल्ली दे स्वराज चढ़े हुए ने, दाती आले हत्थां विच झंडे फड़े हुए ने। हे राजा, इक ते दिल्ली दे स्वराज चढ़े हुए ने, दाती आले हत्थां विच झंडे फड़े हुए ने। आखिया पाए ने ट्रालियां च गट्टे भरे गुड़ दे, इक पासा करे बिना हुण किथे मुड़दा, इक पासा करे बिना हुण किथे मुड़दे। कोई कवे वखवादी, कोई कवे अतवादी, सारिआं नूं नानक दा खाब करदा। जिंदाबाद नी जवानी है, निमार तेरे उत्ते सारा ही पंजाब करदा। जिंदाबाद नी जवानी है, मार तेरे उत्ते सारा ही पंजाब करदा। जिंदाबाद नी जवानी है। नौजवान एकता, पूरे देशवासी किसानों नू बेनती सब तो पहला है वे कि आप जी नू सब पता है कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिहड़ा साडा धरना प्रदर्शन चल रहा दे वल्लों। ते सारिआं नू बेनती है भी जिथे जिथे तुसी अपने घरां विच हो, अपने अड्डिआं ते जाके, मेन रोडां ते जाके भारत बंद का ऐलान जिहड़ा है उहनू पूरा करो, ट्रैक्टर ट्रालियां ला के रोड जाम करो, सरकार नू पता लगे भी वाकई जो इन्हां ने आदेश कीता सी धरना प्रदर्शन वालिआं किसानां ने वो अज पूरा हो रहा है। ये थानू बेनती है, बाकी इत्थे अंदोलन दे विच वध तो वध हिस्सा पाओ, जिन्ना भी हो सके अपनी ट्रैक्टर ट्रालियां लैके धरना प्रदर्शन ते पहुंचो जी, यही बेनती है। निकल करके ये वैसे ही नहीं आ गए, किसकी साजिश थी बताया। सिया जो भी दिया थी,
सरकार बनायो मोदी, टीवी अखबारों ने तो अवतार बतायो मोदी। यहाँ तक बताया था पलक झपकते कर दे बेड़ा पार बताया मोदी, भंग पड़ी बस मोदी मोदी मोदी। चाहे पढ़ा हुआ हो चाहे अनपढ़ हो, सबके नाम पर बुलवा दिया मोदी, सबके जिभ्या से बुलवा दिया मोदी। लेकिन हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, हम क्या नाम सरकार मानेगी हमारी बातों को? हमारा यही है जो तीन कानून लेकर इसे वापस कराए, भारत बंद क्या नाम करा रखा है, संदेश को क्या नाम सरकार को पता लगेगा कितना बड़ा लॉस होगा सरकार के लिए। ये कभी भी क्या नाम है इन्होंने 6 महीने से क्या नाम है वो लगा रखा है कोरोना का, हमने तो 1 दिन के लिए बंद करा है, हमारे 1 दिन से इनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इन्होंने 6 महीने से बंद कर रखा, कोई नुकसान नहीं हुआ देश का, हम भी तो इसी बात पर डटे हुए हैं, हमारे नुकसान कितना झेल सकती है सरकार? अगर हम बरकरार बैठे हैं या तो सरकार हमारे फैसलों को मानेगी नहीं, हम क्या नाम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे।